ठीक है। सो मैं थोड़ी बहुत स्टोरीज शेयर करूंगी और मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं जब खुद जाके माउंटेन्स में रही थी थोड़े टाइम के लिए पाकिस्तान में ही, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और मैं कहाँ पे जाके रही थी और मैंने वहाँ पे क्या क्या किया था। सो अगर आपके कोई भी सवाल आ तो बीच में आप चैट पे लिख दीजिएगा और मैं एक एक करके उनके जवाब दूंगी, ठीक है। दो साल पहले की बात है, मैंने अपना कॉलेज से पढ़ाई खत्म कर दी थी और फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं लाइफ में, और मैं उस वक्त जॉब भी ढूंढ रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाके कहीं और पे कहीं और रहूं। तो उसी वक्त एक अपॉर्चुनिटी आई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जिंदगी ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटी आई थी और उसमें ये था कि आपको हुंजा के अंदर जाके एक छोटे से गांव में रहना था एंड वहाँ के स्कूल में आपको पढ़ाना था, ठीक है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं बहुत सारी, पूरी दुनिया में भी होती हैं, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी थोड़ी देर बाद। पहले मैं शेयर करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे था और मैं कहाँ गई, ठीक है। तो गिलगित बल्तिस्तान एक प्रोविंस है, आप लोगों ने सुना है गिलगित बल्तिस्तान के बारे में? अगर किसी ने सुना है तो वो अपनी चैट में लिख के मुझे बताएं, अगर आप लोगों ने सुना है गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, या आप लोग कहीं, बुशरा आपने सुना है, दैट्स ग्रेट। आप गई हैं वहां पे कभी बुशरा, या आप में से कोई गया है वहां पे? ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी से पहले मैं भी कभी गिलगित बल्तिस्तान नहीं गई थी, लेकिन कराची पाकिस्तान में दूसरी जगहों पे मैंने माउंटेन्स देखे थे, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं जाके ना माउंटेन्स में जाके रहूँ, ठीक है। तो मैंने उसके लिए साइन अप कर दिया, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया मैंने, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद मेरा एक इंटरव्यू हुआ, फिर मैं सेलेक्ट हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है आप आ जाओ और आप वहाँ पे स्कूल में क्या करवाओगी, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि मैं स्कूल में आके ना छोटे बच्चों के साथ काम करना चाहती हूँ, मतलब केजी के बच्चों के साथ काम करना चाहती हूँ, ठीक है। वन सेकंड, मदीहा, दिस टू स्टूडेंट्स कैन नॉट हियर प्रॉपरली, आई थिंक। Aksa, that's because they probably haven't joined in the audio. ओके, ठीक है। ठीक है। तो हाँ, मैंने ठीक Sabha is taking care of that. है, थैंक यू मदीहा। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि मैं वहाँ पे आके ना छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगी स्कूल में। उन्होंने बोला ठीक है आप क्या पढ़ाएंगी, तो मैंने उनको बोला कि उनका खुद का करिकुलम होता है स्कूल में, तो मैंने कहा मैं वही पढ़ाऊंगी और मैं टीचर के साथ ही काम करूँगी, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाएं, तो मैं वहाँ पे चली गई 1.5 महीने के लिए, ठीक है। और कराची से मैं वहाँ पे चली गई और मैं अकेली थी, मैं जब जा रही थी मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ और कौन होगा, मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे ग्रुप में 4-5 और भी लोग होंगे जो सेम टाइम पे जा रहे होंगे जब मैं जा रही हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ से चली गई इस्लामाबाद, फिर वहाँ पे उन्होंने हमें बोला एक मीटिंग पॉइंट बता देता, जैसे जब आपके स्कूल में कुछ हो रहा होता होगा तो आपको बताते होंगे ना कि आप लोग फुटबॉल कोर्ट में आ जाएं, या इस्लामाबाद में एक मीटिंग पॉइंट बताया। तो मैं वहाँ पे चली गई एंड वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे 5-6 और भी लोग थे, सब मेरी ही एज के थे और सब डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आए हुए थे। तो इस जो ये काम से लोगों को मिलाए और उनको फिर हुंजा के छोटे से एक वैली है, उसका नाम है चुपुरसन, बिल्कुल कोने में है, जहाँ पे अफगानिस्तान का और चाइना का बॉर्डर भी आता है, ठीक है। आप लोग को चाइना और अफगानिस्तान, ठीक है। तो हाँ, वो चाइना के बॉर्डर के पास आता था। मैं आपको छोटी सी तस्वीर दिखाती हूँ, ये जो पिक्चर्स, आई विल शेयर माय स्क्रीन, और सही है, तो आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी आई होप, ठीक है। तो ये छोटी सी जगह थी, बहुत छोटा सा गांव था और इसके दाएं बाएं सब जगह पे माउंटेन्स माउंटेन्स होते थे। सो इट वाज अ ये छोटी सी वैली थी, ठीक है, और उसको पहुंचने के लिए आपको माउंटेन्स के ऊपर से पहाड़ वहां से आते थे, ठीक है। सो जब आप वैली पे आ जाते थे तो अंदर से जो गांव था वो कुछ ऐसा था, आपको दिख रहा होगा, ठीक
ये गांव था, यहाँ पे बहुत हरियाली थी, छोटे छोटे घर थे, बागात और उनकी फील्ड्स होती थी जहाँ पे वो अनाज उगाते थे और उसी अनाज को खाते थे। और ये बिल्कुल छोटा, लोग अपने अपने बागात के अनाज उगा के ना उन दुकानों पे आके रखते थे। और उसके बाद क्या होता था कि जिसके पास जो बागात में अगर आलू उग रहे हैं तो मैं आके उस दुकान पे रखूंगी और आप आके वहां से टमाटर खरीद सकते हो और मैं वहां से आके आलू खरीद सकती हूँ। तो यह चलता था, दुकान का सिलसिला चलता था, जो बिजनेस का सिलसिला होता था वो भी इसी तरीके से चलता था। दुकान वाला एक घर से अगर टमाटर खरीद रहा है तो वो दूसरे घर को आधे जो पैसे बना रहा है उसे वो फिर अनाज लेंगे, जाके बीज लेंगे उसको और उगाने के लिए। सो ये थोड़ी सी जगह थी और वहाँ पे स्कूल में हम लोग काम करते थे, ठीक है। सो मैं देखती हूँ अगर मेरे पास स्कूल की कोई पिक्चर होती है, मेरे पास बहुत सारी पिक्चर हैं जो वहाँ के बच्चे थे, तो मैं आपको उनके बच्चों की तस्वीरें दिखाती हूँ। बहुत क्यूट होते थे, बहुत प्लेफुल होते थे, उनको पढ़ाई करने में इतना मजा आता था, उनको होता था कि हम हर वक्त पढ़ाई कराते रहेंगे। जब हम पढ़ाई खत्म भी कर लेते थे उसके बाद भी वो लोग हमारे घर पे आके, घर के बाहर आके बोलते थे, मैडम आप हमें प्लीज ये सब्जेक्ट समझा दें अभी, और वो चाहते थे कि हम उनको ट्यूशन दें। तो हमें बहुत मजा आता था, हम सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के साथ होते थे। I'll show you another picture of our house, जहाँ पे हम लोग रहते थे, ठीक है। और फिर मैं आपको वो भी तस्वीर दिखाऊंगी कि उनका जो घर होते हैं वो अंदर से कैसे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। I'm very sorry to cut you off. Aksha, but your voice is a bit distorted. Like we can't hear it properly. It keeps cutting off. I can see that you're speaking. Mm-hmm. I can't exactly hear it. Can you hear now? Yeah. Now it's fine. Thank you. Yeah. Just one second. Is it okay now? Yeah. It's fine now. Okay. तो मैं आप लोग को ये कह रही थी लास्ट बात कि मैं आप लोग को दो तस्वीरें दिखाती हूँ। वहाँ के जो घर होते हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होते थे। वो जमीन के बने हुए होते थे और वो कच्चे भी होते थे, लेकिन वो अंदर से बहुत इंटरेस्टिंग होते थे। तो मैं आपको वहाँ का घर दिखाती हूँ कि बाहर से घर कैसा था और अंदर से घर कैसा होता था, ठीक है। Aksha, when you are showing the photos, just make sure that the photos are also full screen. So on my screen, I am showing the full screen photo. So this is fine. Like jo landscape mein hai, those are fine. Agar koi portrait mein aati hai, to usko zoom in kar dena. So aap log ko agar screen pe dikh raha hoga, to wahan pe sare ghar aise mitti ke hi bane hue hote. और वो लोग ना वेदर के हिसाब से अपने घरों को बदलते भी रहते थे। तो हर किसी के ना एक से ज्यादा घर होते थे। जब समर का मौसम होता था ना, तो वो लोग अपने पहाड़ों के ऊपर वाले घर पे आ जाते थे, ठीक है। तो ये मैं वहां पे समर में गई थी, तो ये जो घर है ये पहाड़ के ऊपर वाली साइड पे घर थे, ठीक है। जब सर्दियां होती थी ना तो वो पहाड़ के नीचे वाली साइड पे, मतलब पानी के पास वाली साइड पे भी एक घर बनाते थे अपने, ठीक है, और वो लोग वहां पे चले जाते थे। वो इसलिए क्योंकि पहाड़ के ऊपर बर्फबारी होती है ना बहुत ज्यादा, तो वो घर पूरा बर्फ से ढक जाता है, तो वो बहुत ठंडी हो जाती है, तो इसलिए वो नीचे वाले घर के पास आ जाया करते थे। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। मैं आपको घर के अंदर की तस्वीर दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल ज़ैनब, ये घर बहुत खूबसूरत होते थे और अंदर से भी बहुत खूबसूरत होते थे। ये आपको दिख रहा है कि अंदर से घर ऐसे बना हुआ होता था। तो इनकी जो छत होती थी ना, हमारी छत पूरी उसकी कंक्रीट की बनी भी होती है, ठीक है ना। हमारी छत पे पेंट होता है, कंक्रीट की बनी भी होती है, और हमारी छत में, हमारे घर में ये होता है कि विंडो होती है धूप अंदर आने के लिए, रोशनी के लिए, राइट। तो ये लोग ये करते थे कि घर के दरवाजे में या घर के अंदर विंडो नहीं होती थी, ठीक है, उनकी छत पे ऐसे रोशनदान बना हुआ होता था, ठीक है। अच्छा, इस रोशनदान को आप बंद भी कर सकते थे और आप खोल भी सकते थे। तो इस रोशनदान के तहत ना अंदर लाइट आती थी, और क्योंकि ये इतना दूर थी ये जगह, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई सिस्टम नहीं था, राइट। तो लोग अपने घरों में
जो इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी वो खुद से बनाते थे। इसके हर घर, ये जो गांव है ये बिल्कुल पानी के साथ था ना, क्योंकि एक वैली थी है, तो वो लोग खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे और वो पूरे गांव में इस तरह से इस्तेमाल करते थे कि दिन के वक्त पे इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं होगी और शाम में जब अंधेरा हो जाएगा ना तब इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी। तो ये आपको दिख रहा है जैसे ये इनका घर इस तरीके से बना हुआ होता था। ये जो हम सब बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ जो और लोग वहाँ पे वॉलंटियर कर रहे थे वो लोग थे, और हम लोग सब इस घर में रहते थे। जहाँ पे हम लोग बीच में बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे आप लोग खाना खाते थे, मतलब यहाँ पूरा दस्तर लगाते थे और यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे, और पीछे की साइड पे जो पीछे की साइड है यहाँ पे किचन होता था। तो हर घर का स्टाइल बिल्कुल ऐसा ही होता था कि किचन है और सामने आपने बैठने का बनाया हुआ है जहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। और आपको ये ग्रीन ग्रीन लाइन दिख रही है यहाँ पे, राइट, जहाँ पे ये मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई है ग्रे शर्ट में, उनके पीछे ग्रीन कलर का पूरा फ्लोर है। तो यहाँ पे आप बिस्तर लगा के सोते थे। वहां पे ना घरों में सबका सिस्टम ऐसे ही होता था कि बट एक जो चीज होती थी अलग उनके घरों में, वो ये होती थी कि एक कमरा ऐसे होता था जो बड़ा कमरा होता था, सबसे बड़ा, और ज्यादातर घर के लोग इसी जगह पे सोते थे, ठीक है। और फिर एक छोटा कमरा होता था वो भी इसी तरीके का होता था, लेकिन उसमें किचन नहीं होता था, ठीक है। और जो घर के बड़े अफराद हैं, जैसे अम्मी अब्बू हो गए या दादा दादी हो गए या नाना नानी हो गए, वो उस कमरे में सोते थे। और उनके लिए अगर उनको जरूरत होती थी तो वो बड़े जैसे बेड हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो वाले बेड ले लेते थे। लेकिन ज्यादातर घरों में बेड इस्तेमाल नहीं करते थे, वो लोग फ्लोर पे ही रुई से गद्दे बनाते थे और उस पे सोते थे। तो जब मैं वहां पे थी 1.5 महीने के लिए, तो हम भी वो यू नो रुई के गद्दों पर ही सोया करते थे, ठीक है। आई विल शो यू वन मोर पिक्चर आफ्टर दिस। तो जो मैंने आपको बताया ना कि सबके घरों के बराबर में फील्ड्स होती थी, फार्म्स होते थे जहाँ पे वो यू नो खेती बाड़ी करते थे, तो इस तरीके से उनके फार्म्स नजर आते थे। हर घर के आगे ऐसा फार्म होता था। जिस घर में हम लोग रह रहे थे उसके आगे भी फार्म था, और वहां पे ना चेरीज उगती थी और वो इतनी अच्छी होती थी, हम लोग हर वक्त चेरीज खाते रहते थे। और कभी कभी जब मौसम जब मैं वहां थी तब तो ये नहीं हो रहा था क्योंकि वो गर्मियां थी उस वक्त, तो उस वक्त चेरीज उग रही थी, लेकिन जब सर्दियां होती थी वहां पे तो उसी उन्हीं फार्म्स पे दूसरे फल भी उगते थे। और पता है वहां के जो आलू होते थे ना वो बहुत अलग होते, हमारे आलू येलो कलर के होते हैं ना, वहां के आलू जो है ना रेड कलर के होते थे और बहुत मीठे मीठे होते थे। पता नहीं यहाँ पे मैंने इतने ज्यादा नहीं देखे ऐसे आलू, बट वहां पे बहुत सारे मतलब रेड रेड कलर के और बड़े बड़े आलू होते थे, तो वो बहुत मीठे होते थे, वो बहुत अच्छे होते थे। और क्योंकि हमारे घर के बराबर में ही उसका पूरा एक बागीचा था, तो हम लोग हर वक्त फ्राइज बनाते थे। हम लोग को रात में भूख लगती थी तो हम लोग फ्राइज बनाते थे, दोपहर में कुछ खाना नहीं समझ आ रहा होता तो भी फ्राइज बनाते थे। और वहां पे रहने की सबसे अच्छी बात ये भी थी कि सब काम हम लोग को खुद करना होता था, खाना भी खुद बनाना होता था और सफाई भी खुद करनी होती थी, बर्तन भी खुद धोने होते थे, बाथरूम भी खुद साफ करना होता था। क्योंकि वहां पे जो तौर तरीका है रहने का और वहां पे जो उनका कल्चर है उसमें आप सब काम खुद करते हो, वो बहुत सेल्फ सफिशिएंट होता है। आप अपने अपना फल खुद बनाते हो, आप अपना खाना खुद बनाते हो, आप अपना काम सारा करते हो, घर का काम भी करते हो। और पता है बहुत इंटरेस्टिंग थिंग वहां पे ये भी होती थी कि होती थी और जो बच्चियां होती थी वो भी जंगलात में जाती थी। सिर्फ आदमी जंगलात में नहीं जाते थे, बच्चियां भी जाती थी जंगलात में और औरतें भी जाती थी जंगलात में, और वो लोग वहां से लकड़ियां लाते थे और फिर लकड़ियां ला के वो लोग फर्नीचर बनाते थे, वो लोग आग लगाते थे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो लोग लकड़ियों से बनाते थे ऐसे। आई विल शेयर वन स्टोरी विद यू ऑल, ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो
एक दिन जो है ना हम लोग वहां पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो हम लोग बच्चों के साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे थे. ठीक है, आई शो यू अ पिक्चर. जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी ना, वहीं पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मन रहा था. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हम ये कर रहे थे कि हम लोग ने बहुत सारे पोस्टर्स बनाए थे, स्लोगन बनाया था, और सारे स्कूल की टीचर्स और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था. और क्योंकि वहां पे सॉरी वन सेकेंड, क्योंकि वहां पे गांव चित्तपुरसन की वैली है ना, उसके अंदर 8 गांव थे, और हर गांव जो है ना तकरीबन 15-20 मिनट की आप वॉक करके जाते थे तो एक नया गांव आ जाता था. तो जैसे हमारे यहाँ पे यू नो, हम स्कूल से बाहर निकलते हैं, हमारे घर से बाहर निकलते हैं, तो थोड़ी देर बाद एक नया एरिया आ जाता है. वहां पे उसी तरीके से हर थोड़ी देर बाद थोड़े डिस्टेंस में एक नया गांव होता था. ठीक है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग एक रैली करेंगे, जो स्कूल के एक तरफ से जो सारे गाँव है ना उसमें सब जाएंगे, और वहां पे हम एनवायरमेंट के बारे में बातचीत करेंगे. तो हम लोग उसमें प्लास्टिक के बारे में बता रहे थे उनको, हम उनको बता रहे थे कि आप जो कचरा ये लोग जलाते हैं उसके बारे में हमने बात की थी. तो बच्चों ने बहुत सारे पोस्टर्स बनाए थे और इस तरीके से हमने रैली निकाली थी. अच्छा, इस गांव में ना कुछ बड़े लोग रहते हैं, मतलब जो गांव के बड़े बूढ़े हैं. ठीक है, और वो लोग जो है ना जो गाँव को पूरा लीड करते हैं, सजेशंस देते हैं, जहाँ पे एडवाइस चाहिए होती है तो गांव के सारे लोग उनसे आके एडवाइस लेते हैं. तो जब हम लोग रैली निकाल रहे थे तो एक घर के बाहर गांव की दो वो लोग नानी माँ कहते थे अपनी लैंग्वेज में उनको, तो दो नानी माँ बैठी हुई थी, और वो लोग जो है ना वो बहुत क्यूट होती है. मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाती हूँ. तो ये एक नानी माँ थी और एक और भी नानी माँ थी. वो लोग बाहर बैठे हुए थे, और यू नो आप देख रहे होगे कि उनने ऊपर यू नो टोपी पहनी हुई और उसके ऊपर दुपट्टा पहना हुआ है. ये उनका कल्चरल अटायर है. ठीक है, उनके कल्चर में जो स्पेशली जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो ऐसे टोपी के ऊपर दुपट्टा पहनते हैं, और वो लोग दो चोटी बांधते हैं अंदर, और वो बहुत अलग तरीके से उनके बाल बने हुए होते हैं. जिस तरह से हम चोटी बांधते हैं ना उस तरीके से नहीं होते, उनके बिल्कुल ऊपर से बनना शुरू होती है, और कान आपके बाल के पीछे छुप जाते हैं, आपके कान नजर नहीं आते, और उसके ऊपर आप फिर टोपी पहनते हो और दुपट्टा ऊपर से लेते हो. तो मैंने उनको जब देखा तो मैं अपनी फ्रेंड से बोल रही थी वहां पे के मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि ये कितनी अच्छी लग रही है, उनके बाल भी इतने अच्छे लग रहे हैं और उनकी टोपी भी कितनी अच्छी लग रही है. तो वहां पे एक टीचर हमारे साथ थी जो स्कूल में पढ़ाती थी, और उनको उर्दू आती थी, तो वो समझ गई कि मैं क्या कह रही हूँ. तो हम लोग जब वॉक करके जा रहे थे, उन्होंने जाके नानी माँ को, दोनों नानी माँ को बता दिया कि मुझे उनके बाल और उनकी टोपी बहुत अच्छी लग रही है. तो फिर वो नानी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया, और उन्होंने टीचर को बोला कि आप इनको मेरे पास लेकर आओ. फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, और उन्होंने मेरे बाल भी वैसे बांधे और अपनी टोपी भी मुझे गिफ्ट कर दी. मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ. देखें, तो उन्होंने मुझे बुला के अपनी टोपी, आप देख लो जो दूसरी नानी माँ, उन्होंने टोपी नहीं पहनी थी, तो उन्होंने अपना दुपट्टा और अपनी टोपी मुझे गिफ्ट कर दी, विच शोज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव इन देयर कल्चर. बिकॉज उनके कल्चर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो टोपी और इस तरह से दुपट्टा पहनते हैं, बिकॉज वो उनकी एक जो उनके कम्युनिटी में जो पोजिशन होती है ना उसको सिग्निफाई करती है. तो जब उनको किसी को प्यार देना होता है या उनको किसी को ये देना होता है कि आप हमारे कल्चर का हिस्सा हो, उनको ये बात कम्युनिकेट करनी होती है, तो वो अपनी टोपी आपको गिफ्ट करते हैं, अपनी टोपी आपको प्रेजेंट करते हैं टू शो दैट दे वेलकम यू इन देयर कम्युनिटी. सो दे गिफ्टेड मी दैट टोपी एंड आई स्टिल हैव इट. लाइक सी, मेरे पास अभी तक वो पड़ी भी है, और मैं उसको पहनती तो नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने अपने पास बहुत संभाल के उसको रखा हुआ है. ठीक है, सो मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ. सो ये ऐसे लगती है, देखें. सो दिस इज देयर टोपी दैट दे गिव इट टू मी, एंड
ये उन्होंने मुझे दी थी। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि अब तक आप लोग को क्या अच्छा लगा स्टोरी में और इस जगह के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? थैंक यू ज़ैनब। बुशरा आपको सब कुछ अच्छा लगा लेकिन सबसे अच्छी बात क्या लगी? ओके मरियम आपको विलेज अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था वो विलेज, इतनी खूबसूरत जगह थी ना। ज़ैनब कह रही है उनको नानी माँ का स्टाइल बहुत अच्छा लगा था, काफी यूनिक स्टाइल है ना ज़ैनब उनका। माउंटेन्स तो ज़ैनब बहुत खूबसूरत थे और हम लोग पता है जब फारिग होते थे तो हम लोग फिर क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जगह थी और वहाँ पे हम लोग स्कूल के बाद यू नो घर में होते थे तो जब शाम में हमें कुछ करना होता था तो हम फिर माउंटेन्स चढ़ते थे और बहुत मज़ा आता था उसमें हमें। तो ये हमारी यू नो शाम में जाके ये इस तरह की हमारी एक्टिविटीज होती थी। बिल्कुल बुशरा बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, जो माउंटेन्स हैं वो बिल्कुल कश्मीर की तरह हैं। और तो कश्मीर उससे काफी दूर है लेकिन बिल्कुल जो माउंटेन्स हैं वो उस तरीके से हैं जिस तरह के कश्मीर के हैं। हाँ उनके कपड़े बहुत अच्छे थे मरियम। थैंक यू अस्मा। बिल्कुल उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी थी और हमें बहुत प्यार किया था, वो हमें अपने घर पे इनवाइट भी करते थे। मैं आपको एक और चीज बताऊं उनके कल्चर के बारे में, बुशरा इस विलेज का नाम है चिपुरसन, वैली का नाम चिपुरसन है और वहाँ पे जो अंदर उनके विलेज थे, इस पर्टिकुलर विलेज जहाँ पे मैं थी और जहाँ पे स्कूल था उसका नाम ठाको था, लेकिन ठाको उनकी लैंग्वेज में था, उनकी जो उनकी उनकी लैंग्वेज का नाम है वखी लैंग्वेज, तो उसमें वो लोग विलेज को अपनी लैंग्वेज में ठाको बोलते थे। उर्दू में दे डिड नॉट हैव अ ट्रांसलेशन फॉर इट, तो हम भी उसको ठाको विलेज ही बोलते हैं। ठीक है आप लोग के और सवाल है कोई अबाउट द प्लेस? ज़ैनब हम लोग ना वहाँ पे 7 लोग थे जो डिफरेंट डिफरेंट पाकिस्तान के पार्ट से आए थे। मैं कराची से थी, मेरे साथ एक और लड़की थी जो कराची से थी, 4 लोग लाहौर से थे, 5 लोग लाहौर से थे। हाँ तो हम लोग 7 लोग। हाँ विलेज की पिक्चर मैंने ली थी, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। तो ये छोटी सी पिक्चर है विलेज की, किस तरह से था वो विलेज। बिल्कुल जैसे बीच में आप एक रोड देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड था और ये स्ट्रेट रोड चलता रहता था और उस रोड के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे डिफरेंट डिफरेंट गांव आते थे और जो ऐसी जगह होती थी जहाँ पे कोई गांव नहीं होता था वहां पे बस फील्ड्स ही फील्ड्स होती थी और फिर थोड़ी देर बाद एक और गांव आ जाता था। ठीक है सो मुझे बताएं आप में से कोई इस तरह की इस तरह के प्रोग्राम में जाना चाहेगा कभी, या इस तरह के प्रोग्राम के बारे में आपके कोई सवाल आते हैं कि ये प्रोग्राम होता कैसे है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं और आप लोग कैसे जा सकते हैं? राबिया ये प्लेस ना गिलगित बल्तिस्तान में है। ठीक है
तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बताती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स को आप कैसे ढूंढ सकते हो, और मैं अपने प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी कि मेरे प्रोग्राम में किस किस तरह का काम आप कर सकते थे, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि और दुनिया में जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप किस तरह का काम कर सकते, ठीक है। सो जो मेरा प्रोग्राम था उसमें आप आर्ट का प्रोग्राम डिजाइन कर सकते थे, आप म्यूजिक प्रोग्राम डिजाइन कर सकते थे, आप एकेडेमिकली जैसे मैंने क्लास केजी को पढ़ाना चूज किया था तो आप वो भी कर सकते थे, आप सब्जेक्ट को पढ़ा सकते थे, आप स्पोर्ट्स सिखा सकते थे, सो आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से प्रोग्राम्स को पिक कर सकते थे। जैसे अगर आप में से कोई स्पोर्ट्स खेलकर वो सिखाना चाहता है तो आप वो भी कर सकते थे, चेस वहाँ पे बच्चे खेलना, वहाँ पे स्टाफ चेस खेलता था, उनको बहुत शौक था तो उनको शौक था कि कोई आए उनको और भी चेस सिखाए। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज में मैं आपको ये बताती हूँ कि यू नो कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, वो फिर प्रोग्राम आता ही इस तरीके से है कि आप लोग उसमें उनको बताया जाता है कि आपने सिर्फ पढ़ाना है या आपने पर्टिकुलर किसी एरिया के ऊपर काम करना है, ठीक है। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रोग्राम का डिजाइन ऐसा होता है कि जहाँ पे वो जो लोग आना चाहते हैं उनसे पूछते हैं कि आप क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो मेरा प्रोग्राम था वो ऐसा था कि हमसे पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था कि मैं क्या करवाना चाहता, तो मैंने और एक प्रोग्राम डिजाइन किया था, मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स थे जो वहां पे काम कर रहे थे उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम डिजाइन किए। जैनब जी, मैं पहली दफा गई थी, बिल्कुल। अच्छा जैनब, मैंने उनको केजी क्लास को मैंने फोनिक्स और इंग्लिश एंड उर्दू फोनिक्स सिखाए थे मैंने केजी क्लास, और मैंने वहां पे क्लास 5, 6, 7 के साथ स्पेलिंग बी का कंपटीशन भी करवाया था। सो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज से सीखने को क्या मिलता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है जैनब कि मैंने क्या सीखा। तो जब आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज में जाते हो, आप कहीं और जाके रहते हो, तो एक तो आपकी होती है पर्सनल ग्रोथ कि आपकी पर्सनैलिटी पे और आपने पर्सनली अपने लिए क्या सीखा, और एक होती है आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ कि आपने अपने काम के बारे में क्या सीखा। तो पर्सनली जो मैंने सीखा उसमें आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, अच्छा, वी कैन हियर यू। पर्सनली जो मैंने सीखा उसमें ये था कि मुझे एक नई जगह के बारे में पता चला, मुझे एक नए कल्चर के बारे में पता चला, वो लोग किस तरह के खाना खाते हैं, उनके घर कैसे होते हैं अंदर से, वो लैंग्वेज क्या बोलते हैं, मुझे उस सब बारे में पता चला। मुझे खाना खाने का और पकाने का बहुत शौक है, तो मैंने वहाँ से बहुत सारी डिशेज में सीख कर आई थी। तो पर्सनली मैंने ये सब कुछ सीखा था। दूसरी बात, यू नो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो इतना सिंपल होता है, आप अपने सारे काम खुद करते हो और यू नो सब कुछ, यू आर सो सेल्फ सफिशिएंट। तो मैंने एक वो चीज भी सीखी कि अपना आपका ख्याल कैसे रखना, ठीक है। अक्सर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था वहाँ पे, उनका खाना बहुत अच्छा होता था वहाँ पे, हर चीज इतनी फ्रेश होती थी, बारिश होती थी, हवा होती थी, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा होता था। जैनब, मुझे माउंटेन्स में रहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि माउंटेन्स की लाइफ और कराची की लाइफ में बहुत फर्क होता है ना सिटी की लाइफ में। अच्छा, फिर जब आप ऐसी अपॉर्चुनिटी में जाते हो तो एक तो आपको नए लोगों से मिलने को मिलता है, राइट, आपको नई जगह के बारे में सीखने को मिलता है, और आपको अपने काम के बारे में भी पता चलता है बिकॉज आप जो उनके साथ काम कर रहे होते हो, राइट, आप उनको कुछ सिखा रहे होते हो, तो उससे एक तो आपको बहुत खुशी होती है कि आप किसी को कुछ सिखा रहे होते हो, बट आपको ये भी पता चलता है कि आप और किस किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हो। तो आपको अपने काम के बारे में इस तरीके से और भी सीखने को मिलता है कि आप अपने काम में और क्या चीजें ऐड कर सकते हो और क्या आप अपने काम में सीख सकते हो जो आप दूसरों को सिखा सकते हो, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू गेट टू लर्न ऑन सच एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोग को कभी, मुझे सबसे ज्यादा वहाँ पे क्या अच्छा लगा, मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे थे, वो बहुत मिलनसार थे, बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे,
और पता है सबसे अच्छी बात, अगर कभी कुछ मसला होता था ना, जैसे आज शाम में बिजली नहीं आई है या बहुत ज्यादा ठंड हो गई है तो पानी यू नो जम गया है दिल्ली में, तो पानी नहीं है, वो लोग हर मुसीबत को, हर मुश्किलात को आपस में मिलके बैठ के बात करते थे, आपस में मिलके सोल्यूशन निकालते थे और एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। अगर किसी के घर में कोई मसला है, अगर किसी के घर में अगर किसी के बच्चा को पढ़ाई में कुछ इशू आ रहा है, तो हर फैमिली एक दूसरे को मदद करती थी, बच्चे आपस में एक दूसरे को बहुत मदद करते थे। मैं आपको बच्चों की एक तस्वीर दिखाती हूँ। तो देखिए ये छोटे बच्चे थे जिनको मैं पढ़ा रही थी, ठीक है, ये बहुत छोटे से थे, केजी क्लास में थे और इनको मैं पढ़ाती थी। और फिर ये लोग बाद में ना स्कूल में रोज उनकी मम्मा कुछ हमारे लिए भेजती भी थी, क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता था कि हम अपने उनके बच्चों को बाहर से पढ़ाने आए। अच्छा मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं जिसमें आप पूरे गाँव को देख सकती हैं और आप लोग पूरे और एक्टिविटीज भी देख सकती हैं। और भी मैं वीडियो दिखाऊं आप लोग को एक। ठीक है, मैं एक वीडियो प्ले करती हूँ। वीडियो में साउंड है नहीं, तो वीडियो ऑन इट्स ओन प्ले होगी। ठीक है, अच्छा वीडियो देखते हुए आप लोग के कुछ सवाल हो तो आप लोग को चैट में लिख दीजिएगा, मैं वीडियो देखने के बाद आपके सवाल को जवाब दूंगी। Is this video supposed to have sound? This video does have sound, but not in terms of it has a background music. Yeah, so we can hear that as well. Is that fine? Because it's just completely that silent. Is okay. That is fine. Thank you. आप लोग को वीडियो कैसी लगी?
Yeah, thank you. आप लोग एक और वीडियो देखना चाहते हैं? तो जिस स्कूल में हम लोग काम कर रहे थे, राइट, हमने उस स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाई थी और फिर एक आर्ट म्यूरल बनाया था. जैसे आप लोग के स्कूल्स में केपीएस ने बहुत प्यारा सा म्यूरल बना हुआ है ना आप लोग के आर्ट रूम में, है ना, उसी तरीके से हमने इस स्कूल की दीवार पे बहुत बड़ा सा म्यूरल बनाया था. आमना, वो बच्चा रो नहीं रहा था, उसकी टॉफी खत्म हो गई थी, तो वो कह रहा था कि मेरी टॉफी खत्म हो गई है, मुझे टॉफी और ला दें आप प्लीज. बीटी, आपका नाम क्या है? मुझे नहीं पता. स्कूल का नाम था किरमन हाई स्कूल. ठीक है, किरमन हाई स्कूल स्कूल का नाम था. ये छोटा सा स्कूल था बिल्कुल. मैं आ नहीं सकती मैं. ठीक है, आप लोग को एक और वीडियो दिखाऊं. हमने पूरा आर्ट का एक म्यूरल बनाया था एक दीवार के ऊपर, जिसमें पूरे गांव का व्यू हमने दिखाया था. आप लोग देखना चाहेंगे वो वीडियो? ठीक है रुमैसा, मुझे आपका नाम अब याद रहेगा. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, मैं आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ. बिल्कुल आमना, इट वॉज अ रियली क्रिएटिव डिजाइन, राइट. उसमें जो ब्लू ब्लू था वो सब कुछ पानी था, और जो ब्राउन था वो माउंटेन्स थे, और जो ऊपर जो व्हाइट कलर दिख रहा था ना वो सारा जो माउंटेन्स के ऊपर बर्फ जमा हो जाती है वो उसकी तस्वीर थी. सो ये हम सब ने मिल के एक डिजाइन बनाया था, और हमने इन सबको बहुत सारे पेपर को हमने पेंट किया. इट वॉज अगेन, आप लोग जैसे अपने स्कूल में पेपर रिसाइकल करते हो ना, उसी तरीके से ये रिसाइकल्ड एक्टिविटी थी. उसमें हमने जो रिसाइकल्ड न्यूज़पेपर, रिसाइकल्ड पेपर था उससे इस्तेमाल किया था. जी बिल्कुल बुशरा, ये वहां का माउंटेन था जो हमने पेंट किया था, तो वहीं के माउंटेन की तस्वीर हमने पेंट की थी. ये ड्राइंग कितने में बनी थी? आमना, इस ड्राइंग को बनाने के लिए हमें 2 दिन लगे थे ड्राइंग बनाने में. ठीक है, और फिर हमें 1 दिन लगा था बहुत सारे पेपर को अकॉर्डिंगली पेंट करने में. जी बिल्कुल अक्सर ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था. आप लोग कुछ और पूछना चाहोगे अबाउट दिस? Oh no.
Just a time check. Aksa, you have approximately 10 minutes left. Okay, perfect. Okay. Alishpa, aapne kya question pucha hai? Ab wapis puch loge, please. ठीक है, सो आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करना चाहते हैं और कहीं और जाके रहना चाहते हैं, तो यू नो आपको अपने एंड से क्या क्या चीजें करने की जरूरत है ताकि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई कर सकें. पहली बात तो ये कि आप ये बहुत जरूरी होता है कि आपका एक ईमेल एड्रेस बनावाओ, ठीक है, क्योंकि अगर आपका ईमेल एड्रेस होता है ना, जब इस तरह की एडवर्टीजमेंट आती है कि ऐसा कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, तो वो आपको कहते हैं कि आप अपने ईमेल एड्रेस से ईमेल कर दें हमें, ठीक है. तो बहुत जरूरी होता है कि आपका एक ईमेल एड्रेस बना हुआ हो. तो आप ईमेल एड्रेस किस पे बना सकते हैं? आप जीमेल पे बना सकते हैं, आप हॉटमेल पे बना सकते हैं, आप याहू पे बना सकते हैं, आप कहीं पे भी, इन तीनों में से कहीं पे भी ईमेल एड्रेस बना सकते हैं. फिर दूसरी बात ये होती है कि जो भी आपको एरिया जिस पे काम करना होता है, बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपको पता हो आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा स्किल बच्चों को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो हेल्प करता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए भी मीनिंगफुल हो और वो बच्चे के लिए भी मीनिंगफुल हो, ठीक है. अनदर थिंग आई वांट टू ऐड दैट आप लोग में से किस किस ने पाकिस्तान में और कराची से बाहर घूमा है, कराची से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है? अलिश्वा आप गए हो? नाइस. कहाँ पे गए हो अलिश्वा? अक्सा आप भी गए हो? आप भी कहाँ पे गए हो? अरे वाह ज़ैनब, आप तो अभी भी इस्लामाबाद में, माशाल्लाह. सो दैट्स रियली नाइस. अलिश्वा आप मुल्तान गए हो. तो यू नो अक्सर ये होता है कि लोग इस तरह के काम करने के लिए अपने मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान में भी इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहे हैं. बहुत सारी प्लेसेस हैं, बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे इलाके हैं माउंटेन्स में स्पेशली जहाँ लोग अभी गए नहीं है या जहाँ पर उन्होंने इतना काम नहीं किया है अभी तक. तो इट्स वेरी हेल्पफुल कि आप अगर इस तरह का कुछ काम करना चाहते हो तो आप अपनी कंट्री में भी वो काम करो. और हमारी कंट्री में अब बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं क्रिएटिव काम करने की, फेलोशिप्स करने की, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की. सो आई वुड रियली एनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप लोग कभी ऐसे कुछ करना चाहो तो ज़रूर अपनी कंट्री में करो और बाहर भी जाओ. डेफिनेटली बाहर वो अलग एक्सपीरियंस होता है और अपनी कंट्री में करने का अलग एक्सपीरियंस होता है, बट डेफिनेटली पाकिस्तान में भी काम करने में बहुत मज़ा आता है और स्पेशली जब आप माउंटेन्स के रहते हो ना तो वो बहुत अलग लाइफ होती है. शहर में रहना और माउंटेन में रहना बहुत अलग लाइफ होती है, तो बहुत सीखने को आपको मिलता है. आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं? आप लोग को मजा आया? Thank you, Zainab. Thank you, Bushra. किसी के कोई एंड में क्वेश्चंस हैं कि अगर वो ये करना चाहते हैं तो कौन सी? काफी तो ज्यादातर मैं सक्सा ने आपको बता दिया है, बट एनी क्वेश्चंस कि हम ये करना चाहते हैं तो कैसे करें? आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं अगर चैट पे. थैंक यू अस्मा. अच्छा, एक चीज जो अक्सा ने हमें बताई थी वो मैं फिर से स्ट्रेस करना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसी कोई चीज करनी है
जो उन्होंने की जो इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि उनको ट्रैवल करने को भी मिला और कुछ सीखने को भी मिला और सिखाने को भी मिला. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आपने वॉलंटियर करनी है, जो सर्विस आप देना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया, आप उसमें महारत हासिल करें. क्योंकि आप बस ये उठ के नहीं कह सकते कि ओ मुझे ट्रैवल करना है तो मैं कोई ऐसी चीज़ के लिए अप्लाई कर लूँ, वो आपको फिर नहीं मिलेगी. और अगर मिलेगी भी तो वो ना आप उनकी इतनी हेल्प कर रहे होंगे ना आपको फिर मज़ा आएगा. तो जब तक आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे नहीं हो आप ये कर नहीं पाएंगे. तो पहले आपने अपनी सलाहियतों पे उनको और बेहतर करने पे काम करना है. आई थिंक अक्सर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था, बट ये मैं फिर से एक दफ़ा स्ट्रेस करना चाह रही हूँ कि अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करनी है तो आपको अपने ऊपर पहले मेहनत करनी है. बिल्कुल. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर टुडे विद मी. थैंक यू सो मच अक्सा, बहुत मजा आया हमें. बहुत एक आपके थ्रू हम आई थिंक सारे बच्चों को लगा होगा कि वो ट्रैवल करके चिपरसन चले गए. तो थैंक यू सो मच. एंड बच्चों को बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि दिस वाज देयर favorite class so far of the summer camp. Oh, thank you. I'm so happy. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Have a nice weekend.